बार गीता है श्री गुरु जी की जो मुक्ता है जो मोहन का कार्य ने मानव समय के पीछे से मोहन का कर जा रहे हूं मैं डेपुटेशन लेके गया शाही मान साहब की पहला उनसे गलबात हुई शाही इमाम साहब पहले ही गल हो चुकी है दस्या वीडियो वायरल हुई सी उस बाद सारा जरा मतलब उन्होंने बड़े नारे तकबीर शाही इमाम पंजाब जो साडे हलके दे विच दूसरी बार लगातार पहुंचे ने सो दिल दी गहराइयां तो सारे हलके वालों जिले वालों पूरे पंजाब वालों इन्हां दा तहे दिलों स्वागत करते हैं धन्यवाद रखते हैं शाही मां पंजाब जी चलो लगे ही अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायती रहम करने वाला दुरूशी पढ़ लैन जिन्हें हजरात नूं याद है अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دی ترتی تو پوری دنیا دے انساناں دے لئی محبت دا ایک سندیش جیڑا شروع کیتا ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਉਦੀਨ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇਤਮਿਨਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ एक मुद्दा मुढ़ तो बड़ा भुखिया है कि धर्म की है धर्म कहंदे किसनू ने धर्म बनिया गा ते धर्मी बंदे नू करना की चाहिदा है धर्मी बंदे दी जिम्मेदारी की हुंदी है। अच्छा जिन्हां लोकां ने इस गल नू समझ लिया कि धर्म की है और धर्म बंदे तो की चाहुंदा है खुदा वालों दुनिया जो बड़े सत्कार वजो जाने गए लोग उन्होंने अज भी याद करते हैं महापुरशों याद करते हैं पीरों याद करते हैं और जहाँ के धर्म उत्तों लंघ गया वो फिर सारी जिंदगी एक दूजे के नाल लड़ते लड़ते ही उन्होंने लंघ गई अपने स्वार्थ लिए लंघ गई वो ये समझ नहीं सके कि धर्म है कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदे कहा कि आओ एक खुदा की इबादत करिए तो बहुत सारे लोग जो मक्के रहने वाले थे वो इस गल तो नाराज़ हुए कहते एक खुदा की गल करते हो तो फरमाया खुदा की एक की गल करदा मैं कहना सत्कार सब का किया जाए इबादत एक की कीती जाए जब एक इबादत की गल हुई तो उन्होंने कहा कि यह तो फितरत की गल है मतलब जो नेचर है जो कुदरत है जो साड़ी रगा च खून चलता है जो साड़ा मिजाज है जो साड़ा दिल कहता है
कि एक बीवी चाहती है कि उसका शौहर जिहड़ा है उसका आदमी जिहड़ा है वह किसी होर औरत वल ना देखे। बंदा कहिंदा उसकी बीवी भी उसके अलावा किसी होर दे नाल तालुक ना रखे। मालक कहिंदा कि नौकर मेरा ही कहना मनन किसी होर दा ना मनन। प्यो कहिंदा पुत मेरे ही अधीन रहे गुआंढियां की गल च ना आवे। मुहम्मद रसूला ने कहा भी खुदा भी चाहता कि बंदा मेरा बन के रहे। तो लोगों ने पूछा फिर एक खुदा की इबादत कितना फरमाया जेड़ा कहिंदा कि खुदा एक है तो फिर एक नू मने जेड़ा एक कह के हरेक नू ही मनी जावे उहदा खुदा एक नहीं हुंदा। ये तरबीयत जेड़ी लोगों नू दित्ती गई कि इखलास दे उत्ते तौहीद दे उत्ते कायम रहना। धन धन गुरु नानक देव जी की अगर सीरत पढ़ते मैं अक्सर पंजाब के मुसलमानों को कहना हूं कि पीर बाबा नानक की अगर जिंदगी पढ़ते हैं और फिर अगर जिन्होंने पंथ सिरजिया दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पढ़ते हैं सत्कार सब का असूल अपने पंथ दे ने। इज्जत पूरी दुनिया की करनी है राखी सारी दुनिया की करने लिए तैयार हाँ लेकिन अपने अकीदे ढा नहीं लगनी चाहिए। धर्मी बंदा वह होंदा है जेड़ा कि इबादत करता हो। इबादत का मतलब खुदा दे अगे झुकदा हो सवेरे अमृत वेले उठ के खुदा दे अगे इबादत करता हो नमाज पढ़ता हो। अलग अलग धर्मां दे लोग अपने अपने हिसाब न करते ने लेकिन कुरान शरीफ ने धर्मी बंदे की व्याख्या भी की भी धर्मी हुंदा किदां दा है। बहुत सारे लोग कई लोग नमाज पढ़ते ने बुले शाह ने बड़े सौखे तरीके पंजाबी च समझाया उन्हें कहा ना कि नमाज भी नीति जाने हो ठगी भी की जाने हो आ की जाने हो। मतलब कि इबादत जब करने लिए गया बंदा नमाज पढ़ने लिए गया कुरान च पूछा गया भी इबादत का ते अकाल पुरख जिहड़ा है खुदा जिन्हों असी कहने जिहड़ा रब है साडा सारी दुनिया के लोग इको वारी अकाल पुरख के अगे सजदा कर दे खुदा के अगे अल्लाह के अगे इको वारी मत्था पूरी दुनिया टेक देवे हर धर्म के लोग ते खुदा कहिंदा मेरी खुदाई च एक रत्ती का इजाफा नहीं होना वाधा नहीं होना। तो सारे ही कह दें कि असी मानते नहीं तो खुदा कहिंदा एक रत्ती की कमी नहीं होनी। फिर क्या नमाज पढ़ो भी नमाज कहते पढ़ लीए कुरान ने कहा कि नमाज इसलिए पढ़ो लोगों ने कहा नहीं इबादत करनी है ता नमाज का मतलब है भी रब साडे तो राजी हो जाए लेकिन रब ने कुरान जैसी कोई गल ही नहीं की कि भी नमाज कद ली कई पूछते हो कहते जी फर्ज है ता पढ़ते हैं कुछ कहते मुहम्मद रसूला ने कहा ता पढ़ते हैं। कुरान ने कहा नमाज पढ़न का हुक्म इसलिए दिता फरमाया ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। ये जी सानू राह पाया ना जी कि असी गुरु की राह से तुरीए नितनेम करिए नमाज पढ़िए अरदास करिए क्यों कई लोग जेड़े इबादत करते पंजाबी च कहावत मशहूर है पंजाबी मुसलमाना च जो कोई बंदा ज्यादा इबादत कर लग पैंदा ना जी वो साडे कहावत मशहूर है जी कोई हज करके आंदा ना वो कहिंदा बाकी पिंड दा काफरा दा ही है मैनू ही पता है जी धर्म कहावत मशहूर है भी वो कहिंदा मैनू ही पता है जेड़ा कोई धर्मी बन जांदा वो कहिंदा मैनू ही पता भी खुदा की है इन्हां नूं की बताउणा। लेकिन खुदा ने की क्या धर्मी कौन है फिर मैं नमाज पढ़न लिए चलो कहना हाँ जी मैं नमाज पढ़ना चाहना मैं तेरी आराधना करना चाहना मैं तेन पूजना चाहना तेरा नाम सिमरन करना चाहना। फिर अल्लाह ताला कहते अच्छा जे तू मेनू ही मनना आ मेरे अगे ही सजदा करना तो पहला ये दस तेरे माँ प्यो तेरे तो राजी है कि नहीं है। ओदी व्याख्या च लिखे भी नमाज है कद ली इबादत क्यों ना नमाज पढ़ नहीं चलना हाँ अच्छा कहना बेबे ना तो बनती है बापे नू बापू नू गाला करता फिर मुहम्मद रसूला ने फरमाया मां दे पैरां दे नीचे जन्नत है और बाप जन्नत दा दरवाजा है फरमाया हुण तेरी मर्जी है खुला रख तेरी मर्जी है बंद कर दे इनू। जे कोई बंदा नमाज पढ़ता है खुदा की इबादत करता है और अपने मां प्यो ना नहीं बनती लोगों को बाहर चंगा बनता फिरता तो खुदा ने कहा इसकी इबादत की जरूरत नहीं ये नमाज नहीं हुई। कहिंदा अच्छा जी मैं तो हुण अपने मां प्यो की भी सेवा कर लग पिया हुण नमाज पढ़ लवा पर मैं नहीं हजे नहीं भी तेरी तेरी बीवी ना बनती है जिहड़ी जनानी घर दूजे की धी लिया के रखी है इहदे नाल वतीरा किदां दा है। औरतों भी यही कहा कि भी जेदे नाल तेरी जिंदगी बनी है इन्हां नाल किदां दा वतीरा है बाहर जाके झाड़ू पोचे मारी जाओ घरदियां नाल दंगा करी जाओ
फिर रब साडे तो राजी, खुदा ने कहा नहीं नहीं, मां बाप की रजामंदी तो बाद बीवी दे नाल दोस्ती होनी निहायत जरूरी है। कहिंदा चलो बीवी नाल दोस्ती हो गई, हुण नमाज पढ़िए, नहीं फिर हुक्म आया कि तीसरी किस्म रह गई, केड़ी रह गई? कहिंदा अपने न्याणियां दे नाल प्यार मुहब्बत है। कई साडे वर्गे लोग जिहड़े घरां नूं जांदे ना शामी, न्याणे कुड़ियां जी वड़ जांदे अपने अपने, कहिंदे कोई गल नहीं सवेरे जदों जाऊगा फिर गल करांगे। लोकां नाल यारियां, यह धर्म की व्याख्या मैं तुहानूं दस रहा। धर्म कहिंदे किहनूं? धर्मी बंदा हुंदा किदां दा? जिहदे च आ चार सिफतां नहीं ना, वह मैं क्या चारों पांच नमाजां पढ़दा रहे, अठ पढ़ ले, रात नूं उठ के पढ़ ले, जिहने ये पहलियां चार शर्तां पूरियां नहीं कीतियां, मां बाप की रजामंदी नहीं हासिल की, बीवी नाल दोस्ती नहीं की, बच्चों के नाल मुहब्बत का तालक नहीं रखिया, कहिंदा हो गया हुण चला नमाज पढ़ ली, नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जेदी अपने गुआंढी नाल नहीं बनदी वह ईमान आला बनिया ही नहीं। अजे गुआंढी तो अपने धर्म का नहीं हुंदा, गुआंढी तो अपनी गोत का नहीं हुंदा, अपनी जात का नहीं हुंदा, साडी रंग और नसल का नहीं। अक्सर गुआंढी जेड़े है होर नसल के हुंदे, होर रंग के हुंदे है। ते हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जेदी गुआंढी नूं भरावां वांगू ना बनदी होए, गुआंढी देख के बूआ पेट लैंदा होए, ए तू मसीते जाके नमाज पढ़ी जाना, जद तक चार बंदे राजी नहीं हो जाते। अक्सर लोग सानू पुछदे मस्जिद च आके भी दसवंध कित्थे देना, जकात कित्थे देनी है। ते अजकल कई जिहड़े हुंदे सरकारी मौलवी, तुहानूं पता ही, अगला कहिंदा साडे ही दे जा इत्थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने की किया? फरमाया जे मां प्यो गरीब है, पुत ज्यादा अमीर हो गया, पैसे ज्यादा आ गए, पहला उन्होंने दो, उन्होंने समर्थ बनाओ। अच्छा वो तो पैसे दाले ही है, ठीक ने। फरमाया फिर अपने गुआंढी नू देखो कि वो घर दाने है कि नहीं है, तू वधिया खाना वो माड़ा खाता है, तू बाहर जाके मस्जिद से पैसे लाना है, बाहर जाके लोगों को कहना भी थोनू पैसे वंडांगा, अच्छा वह भी ठीक है। फरमाया हुण तो देईए जिन्हों मर्जी, नहीं। फरमाया सके रिश्तेदारा चो, खूनी रिश्तेदारा चो, सके भरा, कोई चाचा, कोई ताया, कोई मासी, कोई मासल, कोई तेरे मां दे रिश्तेदारा चो, ऐसा गरीब जेड़ा मुहताज है और चिट्टी चादर पाके बैठा है, शर्म दी कि मैं किसी तो मंगना नहीं है, रुखी सुखी खांदा है, तू बाहर लोगों जाके खवाई जाना है, खुदा का हुक्म होया कि पहला इन्हों जकात देनी है, इन्हों समर्थ बना। धर्म इसलिए बनाया गया जिदा मोबाइल है, मोबाइल च सॉफ्टवेयर इसलिए पाया कि ये चलन, इन्हों का तुम्हें फायदा हो। धर्म भी खुदा ने अज तो जब दुनिया सिरजी सॉफ्टवेयर बना के भेजता कि लोग धर्म के उत्ते रहनगे तो सीधे रस्ते तुरंगे। एक धर्म ही तो है जिहड़ा तुम्हें कहता कि माँ प्यो की इज्जत करो। आप सारे स्कूलों पढ़े हैं, कई लोग कॉन्वेंट स्कूलों पढ़े हैं, सानू तो कभी कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते हुए किसी टीचर ने नहीं कहा भी अपने माँ प्यो का कहना मनियो। बच्चे साडे यूनिवर्सिटियां च पढ़ते अच्छ बड़िया वड्डिया च, पुछो तो जरा उत्थे केड़ी गल हुंदी है? यूनिवर्सिटियां च इक्को ही गल हुंदी है, कैरियर बनाना, कैरियर बनाना। ते धर्म किस गल की गल करता है? पंथ किस की गल करता है? दीन के दी गल करता है? दीन कहिंदा कैरियर दे नाल नाल सब तो पहला करैक्टर बनाना, किरदार बनाना। अगर कोई बंदा बहुत वड्डा अफसर लग जावे और उहदा किरदार गंदा होवे, किरदार खराब होवे, किरदार शराबियां वाला होवे, किरदार जिहड़ा वो ठगी ठोरी वाला होवे, ते वो इज्जत नहीं पा सकदा। किरदार कित्थे बनना है? किरदार कित्थे बनना है? जाके किरदार तो धर्म च जाके बनना है। धर्म ने तुहाडे च सिफत पैदा करनी है कि तुसीं अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुसीं हलाल और हराम दे विच फर्क नूं महसूस करो, तुसीं किसी ने धक्का करन लगो तो तुहाडा धर्म विच आ जाए, किसी की माँ धी वल अगर बुरी नगर नज़र ना देखो, धर्म दरम्यान च आ जाए, अगर किसी नाल ठगी मारन लगो, धर्म आके अंदरों आवाज मारे कि नहीं मना ये काम तो गलत है, जब तक तुसीं धर्म अधीन नहीं होंगे चंगे बंदे बन ही नहीं सकते।